अस्सलाम वालेकुम, हम और हमारे कराची में आपको शाम दीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर दाऊदपोता रोड पर, जहां पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ये आइसबर्ग आइसक्रीम के जस्ट अपोजिट एक दुकानदार की जानिब से नाले के ऊपर कब्जा करके दुकान बनाई गई थी, और आज फाइनली इस दुकान को मसमार किया जा रहा है, क्योंकि सैवरेज के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हैं कि तमाम नालों के ऊपर से तजावजात खाली कराए जाएँ और कराची की आवाम को एक खूबसूरत मॉडर्न सैवरेज का निज़ाम दिया जाए। और इसी के साथ बात करेंगे इन दुकानदार साहब की, जिनको काफ़ी देर से केएमसी के ऑफिसर बारह दफ़ा समझाते रहे और शॉप से बाहर आने की दावत देते रहे, मगर उसके बावजूद भी ये साहब बाहर नहीं आए, क्योंकि केएमसी को अपनी कार्रवाई का अमल शुरू करना था। मगर ये भाई साहब केएमसी के ऑफिसर से हाथापाई करने लगे और दो तीन ऑफिसर्स को शटर बंद करके बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस की नफरी ने अपने जौहर दिखाया और इनको वैन का रास्ता दिखाया। और यहाँ आवाम पुलिस ऑफिसर को सही यानी दुकानदार की निशानदेही कराई जा रही है, क्योंकि गलती से उन्होंने किसी और साहब को पकड़ लिया था। यहाँ दुकान को मनदम करने के दौरान बहुत कसीर तादाद में कचरा देखने को मिला और साथ ही छोटा सा नाला, यकीनन आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकेंगे। और ये साहब जितनी रेजिस्टेंस दिखा रहे थे, खुदा नखास्ता जिस तरह से शीशा में हादसा रहनुमा हुआ था और आवाम को अपनी कीमती जानों से हाथ धोना पड़ता, लोगों को चाहिए कि इस तरह से भी सोचें, इसमें सबका फ़ायदा है। और आप ये आलम देख सकते हैं कि कितने सालों से ये नाले की सफाई मुमकिन नहीं हो सकी है, और इंशाल्लाह अब सफाई भी होगी और बेहतरी भी आएगी। इसी के साथ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज हम और हमारा कराची को। अस्सलाम वालेकुम।